house. I think you have been, you are satisfied now. Shri Manish Tiwari ji, Shri Manish Tiwari ji. सभापति महोदय, मैं जो अविश्वास प्रस्ताव हमारे सहयोगी श्री गौरव गोगोई जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, सभापति महोदय, किसी भी सरकार का मूल्यांकन पांच बिंदुओं पर किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सांप्रदायिक सद्भाव, चौथा संस्थाओं की स्वायत्तता, और पांचवा जो आपके कूटनीति रहती है या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रहते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन पांचों बिंदुओं के ऊपर पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को केंद्रित करते हुए इस सदन के समक्ष रखा गया है। इसलिए मैं जो मणिपुर का की सामरिक संवेदनशीलता है उसको मुख्य रखते हुए अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब हमारे इस गणराज्य की संरचना हो रही थी तो जो सरहद के राज्य थे उन सरहद के राज्यों को भारत के साथ और मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जोड़ने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए, धारा 371 ए नागालैंड के लिए, धारा 371 बी असम के लिए, धारा 371 सी मणिपुर के लिए, धारा 371 एफ सिक्किम के लिए, धारा 371 जी मिजोरम के लिए, और धारा 371 एच अरुणाचल प्रदेश के लिए। और क्योंकि मणिपुर एक तरफ म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ नागालैंड असम मिजोरम के राज्य लगते हैं, तो इसलिए जब भी उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जब वहां पे सामाजिक उथल पुथल होती है, जब वहां की अस्थिरता भंग होती है, तो सिर्फ जो असर है वो सिर्फ उस राज्य पे नहीं पड़ता, पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर पड़ता है। और इसका सीधा सीधा प्रणाम ये है, इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं, नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि इसी सदन में आज से 4 वर्ष पहले धारा 370 को धाराशाही किया गया था, और आज 4 वर्ष हो गए, आपने एक प्रदेश को अवैध तरीके से तोड़कर दो केंद्र शासित राज्य बनाए, और उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है, उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है, अभी आज उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। देखिए, मैंने किसी की बात में व्यवधान नहीं डाला है। सभापति महोदय, इनको बोलिए जरा धीरज रखें, सुनने की क्षमता रखें। तो मैं सभापति महोदय ये कह रहा था कि 4 वर्ष पहले 370 को धाराशाही किया गया, और आज तक 4 वर्ष में उस प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं, उस प्रदेश में
अभी तक जो इस सदन में वायदा किया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा नहीं दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत दूरगामी परिणाम पड़ता है, और इसीलिए सभापति महोदय, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मैं आज उच्चतम न्यायालय में थे और जम्मू कश्मीर के ऊपर उच्चतम न्यायालय में बहस चल रही है। वो ये कहता है कि जुडिशियल ऑर्डर जो उसका पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 370 को देख रही है सर, उसके बारे में ये यहाँ से जो है अपना ये दे रहे हैं, उसको हटा दिया जाए सर। मैंने सभापति महोदय, ये कौन बोल रहे हैं जिन्होंने कभी रूल्स और प्रोसीजर्स की इज्जत नहीं की? अरे वो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्या नेशनल हेरल्ड सब जुडिस नहीं है? नेशनल हेरल्ड सब जुडिस नहीं है? अरे तो निशिकांत जी, इतना भी हुआ तो उत्तेजित होइए। मनीष जी, द रूल्स दैट हैव बीन साइटेड, जस्ट वही कह रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर हैड जस्ट नाउ मेंशनड अबाउट द रूल्स 352(1), वेर इट इज क्लियरली स्टेटेड समथिंग विच इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ शुड नॉट बी रेफर्ड टू इन द हाउस। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, ही इज, यू डोंट हैव टू एडवोकेट फॉर हिम, ही इज अ नॉलेजेबल पर्सन, ही अंडरस्टैंड्स। प्लीज सिट डाउन, ही इज अ नॉट, यस मनीष जी, प्लीज मनीष जी। सदन में हो रहा उसका जिक्र नहीं कर रहा, जो इस सदन में हुआ है उसका जिक्र कर रहा हूं मैं, उसका जिक्र कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र इस संदर्भ में किया था कि जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत ही नकारात्मक और दूरगामी परिणाम निकलता है। मैंने इससे पहले यह बात कही कि मणिपुर के साथ म्यांमार की सरहद लगती है, और दशकों से जो उत्तर पूर्व के अलगाववादी हैं वो म्यांमार में शरण लेते रहे हैं, और म्यांमार का जो जुंटा है उसके जो रिश्ते हैं चीन के साथ वो पूरी तरह से जग जाहिर है और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है, और इसलिए जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। और इसी संदर्भ में मैं चीन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 2020 में अप्रैल में नियंत्रण रेखा के पार भारत की सरहद में घुसपैठ हुई, और घुसपैठ एक जगह पे नहीं हुई, घुसपैठ 8 जगह पर हुई, वाई नाला, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, डेपसैंग, नाकुला, यांगसी, अपर सुबानसरी जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, एक थिएटर लेवल के ऊपर घुसपैठ हुई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, आज 37 महीने हो गए उस घुसपैठ को जारी हुए, क्या सरकार अभी तक ये सुनिश्चित कर पाई है कि इस घुसपैठ के पीछे चीन की राजनीतिक मंशा क्या है? और मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि सितंबर 2020 से जब से यह सदन मिला था कोविड के बाद, आज तक इस सदन में चीन के ऊपर चर्चा नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी थिएटर लेवल की इंकर्शन हो, घुसपैठ हो और हमारे खुफिया तंत्र को पता ना लगे? क्या हमारा खुफिया तंत्र कहीं पे विफल रहा है? और मैं एक कागज पढ़ना चाहता हूं जो एसएसपी है लेके उन्होंने डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस को एक का पेपर प्रस्तुत किया था, उसके दो अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेजेंटली दे आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर विच आर टू बी पेट्रोल्ड रेगुलरली बाय द आईएसएफ्स। आईएसएफ्स मींस इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। Out of 65 patrolling points, our presence is lost at 26 patrolling points.
दैट इज पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव और नो पेट्रोलिंग बाई द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज. लेटर ऑन चाइना फोर्सेज आस टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एज सच एरियाज हैव नॉट सीन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियन सिंस लॉन्ग. द चाइनीज वर प्रेजेंट इन दीज एरियाज. दिस लीड्स टू अ शिफ्ट इन द बॉर्डर अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over the areas held by India. This is a tactic of PLA to grab land inch by inch, which is known as salami slicing. ये मैं नहीं कर रहा, कह रहा सभापति महोदय. ये सरकार के एक उच्च अधिकारी SSP ले, PD नित्या उनका नाम है, उन्होंने लिखित में यह कागज DGP IGP की कॉन्फ्रेंस के समय प्रस्तुत किया था. सरकार की तरफ से आज तक इसका खंडन नहीं हुआ है. और मैं इसलिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जो अधिकृत तौर के ऊपर एक सरकारी अधिकारी ने कही है, एक उच्च अधिकारी ने कही है कि 65 में से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी सुरक्षा फोर्सेस पहुंच नहीं सकती. क्या यह बात सही है कि आपके ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं हम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है. ये बड़े गंभीर सवाल हैं, जिन गंभीर सवालों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए. इसके साथ साथ अध्यक्ष सभापति महोदय, थैंक यू, थोड़ा सा मेरे को आप 2 मिनट का समय और दीजिए. सभापति महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, वो 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या ये बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद, वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा. और मैं सभापति महोदय, मेरे को मालूम है समय कम है, मैं सिर्फ एक बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि एक आप तरफ जितना तो देर तक बोलेंगे आपका पार्टी का टाइम खत्म. सभापति महोदय, मेरे को यह कहा गया है कि हमारा पार्टी का टाइम सुरक्षित है. ये समय आपने, अध्यक्ष जी ने मेरे को दिया है अपने समय में से निकाल के, इसलिए मैं समय ले रहा हूं. आखिरी बात सभापति महोदय, एक बात कहना चाहता हूं. तो एक तरफ तो हमारे जांबाज सिपाही चीन का मुकाबला कर रहे हैं, 50-60 हजार लोग वहां पे सरहद पे तैनात है. दूसरी तरफ चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है. 2022 में हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 101.2 बिलियन US डॉलर था. ये जो हमारे इंपोर्ट थे चाइना से वो 2021 में 97.5 बिलियन डॉलर थे, 2022 में 118.5 बिलियन डॉलर हो गए. और जो हमारे एक्सपोर्ट है वो 28 बिलियन डॉलर से घटके 17 बिलियन डॉलर रह गए. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीन हमारे खिलाफ आक्रमण कर रहा है उस आक्रमण करने के पैसे हम उनको दे रहे हैं ट्रेड डेफिसिट के थ्रू? तो इसलिए सभापति महोदय, ये जो सवाल है इनके ऊपर हम सरकार से जवाब मांगते हैं. और मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, सवाल बहुत है, संवाद की कमी है. अगर संवाद रहता तो इंडिया को यह जरूरत ना पड़ती कि इस सदन में ये हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते. और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन सारे सवालों का सरकार पूरी जिम्मेदारी से और पूरी सच्चाई से जवाब देगी. बहुत बहुत धन्यवाद. नवनीत राणा. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव ये सदन में विपक्ष ने लाया है. सुबह से सभी डिबेट सुन रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं एज ए निर्दलीय